अबे ओ कमीनो, तुम सब लोग गरीब हो, तुम लोगों को हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही रहना चाहिए। ओ, क्या कह रहे हैं आप? ये जमीन शिवरुद्रा के दादाजी का है, उन्होंने हम गांव वालों को दान में दिया था, पता है कि नहीं आपको? अबे एक थप्पड़ लगाऊंगा, सुधर जाएगा अभी के अभी। कौन है रे वो शिवरुद्रा? ये सिर्फ उसके दादा की जमीन नहीं है, मेरे दादा की भी है। एक शब्द भी किसी ने कुछ कहा तो उसे यहीं पर गाड़ दूंगा। ए, देखते हैं कौन आएगा, तुम लोग काम शुरू करो। ए, रुक जाओ। ए, क्या चाहता है तू? हाँ, ये गरीब लोगों की जमीन है, इसे छीनने की कोशिश मत करना। प्यार से कह रहा हूँ, इस जगह को खाली कर दे। ए शिवरुद्रा, देख इस मामले में तू टांग मत अड़ा, तुझसे मैं बाद में आकर मिलता हूँ, तुम्हें जो चाहिए दे दूंगा। तू मेरा साला है क्या? जो मैं मांगूंगा वो तू मुझे दे देगा? देख, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अपना सारा सामान उठाकर निकल जा यहाँ से। मेरे बेटे ने उन सबका विरोध किया, जमीन नहीं मिलेगी ये सोचकर एमएलए और आनंद मूर्ति ने। भाई अपनी ताकत यहाँ नहीं, वहां जाकर दिखाओ तो जानू। कौन भाई? वो है ना चॉकलेट बॉय। आज देखो उसका क्या हाल होगा। हेलो, कहानी मत सुनाओ, उसका श्राद्ध का कार्ड छपना चाहिए। ओए, यहाँ पोज मत दे, वहाँ चल कर दिखा। जा जा चल चल चल। कमाल आते हैं। ए, मुझे टक्कर मारेगा तू? घूर क्या रहा रे? गुंडा है तो, बहुत बड़ा गुंडा है। बॉल गुंडा है क्या? आज तो ये गया, वाह वाह वाह। ए अरे भाई 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 भाई, मुझे माफ कर, मुझे छोड़ दो भाई। एक बार पड़ गया था तो उठ जाएगा तू भाई। अरे बाप रे, मेरे आदमी को मारेगा तू? नहीं नहीं भाई, मैं क्यों मारूं? मुझे तो मारना भी चाहता है भाई। मुझे जवाब देता है तेरी तो। ये देख भाई, अभी बताता हूं। ए अबे मुझे नहीं, उसे मार, उसे। अरे भाई नहीं मार भाई। पकड़ लिया, अब जल्दी से मार उसे, मार। अबे मुझे नहीं, इसे मार, इसे। सॉरी मैं माफी मांगता हूँ। ये सब नहीं जानता। अरे मेरी क्या गलती है, छोड़ दो मुझे। क्यों पकड़ के मारे हो? अरे भाई छोड़ दो मुझे भाई। लड़की बहुत ही खूबसूरत है। ए छोड़ दो इसे, मुझे लड़की चाहिए। अरे गुरु क्या हुआ? कौन सी लड़की? अरे वो लड़की, तू हट जा। सुनो, अरे अरे पहचाना नहीं क्या? अरे सुनो, अरे चल, अरे सुनो भाई, अरे सुनो, क्या कर रहा है? अरे मैंने इसके लिए पैसा नहीं दिया है, कंफ्यूज हो रहे तुम लोग। मैंने उसके लिए पैसा दिया है, वो वहाँ खड़ा है, उसके पास है। अरे मर गया। सुनो, चल निकल, ऐसे ही पकड़ते हैं क्या? ऐसे ये देख, चल साइड हो जा। ऐसे क्यों मारो? मुझे कल 6 पैक्स बनाने थे, एक्सरसाइज कैसे करूंगा? एक मेरे हाथ को क्या हो गया है? डबल पेमेंट देना पड़ेगा तुझे, समझा? अरे हाँ 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 बिल्कुल दूंगा, लेकिन पहले जाकर उसे मारो। नहीं होगा भाई, मेरा हाथ पूरा बेकार हो गया। हाँ चला गया तो क्या हुआ, दूसरे हाथ से मारो ना। अरे नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, मेरा पेमेंट निकाल जल्दी से, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे बाप रे, मामा। शेर शेर हूँ मैं, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। ठीक है। तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? हे, तू मुझे मारेगा? रुक मैं आता हूँ। मुझे मारेगा? ओ बाप रे।
डिप्स है, डिप्स है। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना जानू, मैं अभी आता हूँ। कहाँ गया भाई? अरे भाई तुम्हें इतना फील क्यों हो रहा है? चलो तुम्हें एक अच्छा सा सॉन्ग सुनाता हूँ, ड्यूएट वाला सुपर्ब सॉन्ग। मामा मैं उस हीरोइन से भी अच्छी दिखती हूँ ना? पूरा गांव तुम्हारे बारे में बात करता है, तुम कितनी सुंदर दिखती हो। पता नहीं घोड़े पर सवार होकर मेरा राजकुमार कब आएगा। तुम्हारे चाची का दिमाग खराब था जो उसने ऐसा बोल दिया, और तुम अभी तक उसको पकड़ी हुई हो? नहीं मामा, चाची ने यही कहा था, एक घोड़े पर सवार होकर एक हैंडसम राजकुमार मुझसे शादी करने जरूर आएगा। एक हैंडसम राजकुमार तुम्हारी जैसी चालू लड़की से शादी करे, इससे अच्छा है कि वो एक 6 फीट का गद्दा खोद करके उसके अंदर सो जाए। ये क्या मामा, ये आप कैसी बकवास बातें कर रहे हैं? मुझसे शादी करने के लिए हजारों पुण्य किए होने चाहिए। क्या पुण्य या क्या पाप, तुम्हारे जैसी चालू लड़की से शादी करने से अच्छा है कि किसी आश्रम में जा करके सन्यासी बन जाए वो। मैं तुझे चालू लगती हूँ, बटले कहीं के? मैं सब समझ रहा हूँ, समझी? इधर आओ, बैठो पहले। देखो भाई, तुम दोनों एक ड्यूट गाना गा करके आओ, तब तक मैं घर का कुछ काम करके आ जाता हूँ, ठीक है? बाय। कबाब में हड्डी बनने से अच्छा कि निकल ही जाऊं। इस गांव में मैं हर आदमी को जानता हूँ, मगर ये यहाँ पे नया है, इसी ने पैसे चुराए होंगे। रुक जाओ, लोगों के सामने मेरी इज्जत उतार दी, कितनी चर्बी होगी उस कमीने में। एक एमएलए मेरे साथ है, उसने इतना भी नहीं सोचा। वो किसी से डरता नहीं, उसका कुछ ना कुछ तो करना होगा। हाँ?